किस तरह का प्ले है? ब्लाइंड डेट एक बहुत ही यू नो यू कैन से लाइक अ प्रॉपर, जो एक बार एक आर्टिकल भी आया था, इट्स बीन डायरेक्टेड, इट्स बीन लाइक सॉरी प्रॉपर लाइक अ बॉलीवुड फिल्म आप बोल सकते हो, जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है, जिसमें ट्रेजडी है, जिसमें एक तरफा प्यार है। सो आपको तो पता ही है कि एक तरफा प्यार की ताकत क्या होती है। सो या इट इज़ लाइक स्टोरी और थोड़ा सा बता सकते हैं? स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का है जो निसर्ग नाम है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो यूएस से आता है और उसे यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनानी है। तो वो थोड़ा सा क्लमजी है, मतलब खाना खाने के टाइम खाना खाना भूल जाएगा, फिर चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होगी, क्योंकि अपने काम में इतना डूबा है ये। और ऐसे में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, उस लड़की से मिलता है, कुछ ट्रेजेडी होती है, वो लड़की उसको कभी मिलना नहीं चाहती है, बोलती है कि मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती हूँ, पर ये अपने साइड से उसे प्यार करता रहता है। तो एक तरफा जो उसका प्यार है वो चलता रहता है। फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, कैसे बजरंगी का कैरेक्टर आता है, कैसे वो हेल्प करता है, तो और एंड में जीत किसकी होती है, कैसे प्यार होता है, तो ये सब स्टोरी है ब्लाइंड डेट। ओके सर, थिएटर करना कितना डिफिकल्ट होता है? काफी लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट होता है, काफी थिएटर सर करना बहुत डिफिकल्ट भी है। एक्शन मिलते हैं ऑन द स्पॉट। थिएटर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि शूटिंग में एक टेक, दो टेक, पांच टेक, 10 टेक होते हैं, बट थिएटर में सिर्फ एक ही टेक होता है। तो आपको यू नो यू हैव टू बी अलर्ट, आपको ध्यान रखना है कब आपकी एंट्री है, कौन सी पोजीशन है, और क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस आपको देख रही है। तो मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत क्विक रिएक्शन होते हैं, यू नो एंड इट्स वेरी गुड ऑल्सो फॉर एन एक्टर टू बी अलर्ट, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि आप जैसे सीन ख़त्म होता है, ब्लैकआउट होता है, आप इतने अंधेरे में चल के जा रहे हो, मैं तो ऑलमोस्ट अंधा ही हो जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई एक्टर मेरा हाथ पकड़ के ले जाता है, और फिर कैसे आप 15 सेकेंड में या 20 सेकेंड में चेंज करके फटाफट वापस आते हो। सो ऑल दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड समथिंग टू लर्न, समथिंग टू यू नो लाइक अ चैलेंज इट इज़, सो इट्स गुड। थिएटर कर लिए, टीवी कर लिया, बॉलीवुड कर लिया, सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ कर पाते हैं, सबसे कंफर्ट जोन कौन सा? सब, मैं एक्टर हूँ भाई, सो मुझे कहीं भी एक्ट करा लो आप, बॉलीवुड करा लो, थिएटर करा लो, टीवी करा लो, या एड्स करा लो, डिजिटल करा लो, आई एम एन एक्टर एंड आई लव टू एक्ट। वेन एवर आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम हैप्पी। थिएटर करते हो कुछ नर्वसनेस होती है माइंड में? नहीं, नर्वसनेस ये होती है कि मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई जॉब वेल, बट आई एम नॉट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, मैं घबराया हुआ नहीं रहता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है वहाँ जाके। सो बिकॉज हमने इतनी रिहर्सल की है, हमने इतना प्रैक्टिस किया है, सो उसके बाद भी मेरा नर्वस होना बनता नहीं है। अगर आपने पूरी पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम में आप बेफिक्र होके बैठोगे ना कि मैंने पढ़ाई की है, तो ब्रिंग इट ऑन। सो या आपके थिएटर के गुरु कौन थे? सी, ऐसा कोई गुरु वुरु नहीं है मेरे, बट आई लुक फॉरवर्ड टू यू नो आई हैव सीन पीपल लाइक नसीर साहब, यू नो ये सब जब थिएटर करते हैं तो इतना डूब जाते हैं एंड इतना कुछ सीखने मिलता है। सो आई सेड वाई नॉट, बिकॉज पीपल टेल मी दैट जय यू सच अ गुड एक्टर, यू सच अ गुड एक्टर, बट आई वॉन्ट टू लर्न मोर, आई वॉन्ट टू ग्रो मोर, बिकॉज उसकी कोई क्या बोलते हैं कि सीमा ही नहीं है, आप जितना चाहो सीख सकते हो, जितना चाहे यू नो। सो या बहुत इन्जॉय करता हूँ, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ जब ऑडियंस की तालियाँ होती है, जब थोड़ा हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, यू नो जिस ऑन द स्पॉट रिएक्शन यू गेट। हाँ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस एंड द पीपल आर वेरी नाइस ओवर देयर, और मतलब ऐसे पॉइंट कभी कभार ऐसा पॉइंट होता है कि हंसते ही रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कब हंसना बंद करें, हम दूसरी लाइनें बोलें। सो इट्स फन एंड सबका अलग अलग टेस्ट होता है, बट यू नो इफ़ यू हैव अ गुड सब्जेक्ट सो एवरी वन विल लव इट। सो या जो मुंबई में कल जो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सेम कास्ट है कि और कोई चेंजेस है? नहीं, सेम कास्ट है अभी तक, पूछना पड़ेगा। नहीं, सेम कास्ट है एंड वेरी एक्साइटेड ऑलवेज आई एम, यू नो आफ्टर एवरी बिफोर एवरी शो एंड हमेशा मतलब कोशिश यही रहती है कि यू नो यू गिव योर बेस्ट एंड जो लोग आए हैं पैसा खर्चा करके, यू नो उनको पूरा एंटरटेन दे, बिकॉज एंटरटेन करे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। सो आई लव टू एंटरटेन पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको हंसाना, रुलाना, तो चौंकाना, सरप्राइज करना, सो आई लव दैट। कभी ऐसा हुआ है कि थिएटर कर रहे हैं और कुछ लाइनें भूल गई,
नहीं ऐसा ऐसा अभी तक तो टच वुड हुआ नहीं है, और अगर होता भी है ना तो मेरी शक्ल से आपको पता नहीं चलेगा कि इलाइनी तो भूल गया। तो किस तरह से करते हैं? मैं क्या अगर इनके मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, बट हमें एक बार फ़ोन लेना भूल गया था स्टेज पे, फ़ोन लेना भूल गया था। बट एक चीज़ मैंने हमेशा मैं फॉलो करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ये मत कभी छोड़ना, यू नो अगर आपने यहाँ से दिखा दिया तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आप कुछ भूल गए। पर मैं यहाँ से कुछ दिखाता ही नहीं हूँ कि मैं कुछ भूल गया, तो ये होता है कि जो आप दिखाओगे वही वो लोग देखेंगे। अगर आपने दिखा दिया कि मैं कुछ भूल गया तो वो लोग वही देखेंगे। सो आई डोंट यू नो लेट इट कम ऑन माई फेस। मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ जैसे कि अरे अच्छा ये तो एक सीन का हिस्सा था, अरे यार मैं फ़ोन भूल गया, मैं अब भी लेके आता हूँ, तो ऐसा लगे कि हाँ ये भूल गया होगा, भुलक्कड़ तो है ही। सो यू दैट्स हाउ यू कवर इट अप, यू नो यू नेवर लेट इट शो ऑन योर फेस। यस 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 यस, मतलब शक्ल पे आने मत दो कि अंदर क्या हो रहा है। अब बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज जो हॉल था वो बहुत ही बड़ा था। यार मेरा हर बार एक फनी इंसिडेंट ये होता है कि जब ब्लैकआउट होता है ना तो मैं ऐसे हो जाता हूँ स्टेज पे, मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि नीचे वो ग्लो स्टिकर्स है उसे फॉलो करके आप विंग तक जाइए बाहर तक, बट मैं फॉलो कर ही नहीं पाता हूँ। मैं वो मेरे दो बार चश्मे टूट गए हैं गुजरात के शो में, क्योंकि वो जो चश्मे थे ऐसे ऐसा करने गया तो सीधा हाथ में आ गए और अंधेरे में मेरे को दिखे ही नहीं, तो वो टूट गए। ऐसा दो बार हुआ है मुझे, कोई ना कोई आता है विंग के बाहर, अरे जय रह गया अंदर, तो मैं ऐसे ऐसे ढूंढता रहता हूँ तो मुझे लेके चले जाते हैं। सो दैट्स ऑलवेज लाइक अ मेमोरी। इसके अलावा आपकी कलिक फिल्म भी आई है, हाँ लामो रस्तो, यस या बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो मेरी मूवी आई है लामो रस्तो गुजराती में, दैट्स माई डेब्यू मूवी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 3.5 स्टार्स, और लोगों ने बहुत बहुत तारीफ की है कि मतलब मेरे मुझे लेके बोला कि यार तुम बहुत नेचुरल एक्टर हो, ऐसा लगता है कि ये तुम पूरे पूरे फिल्म में यू आर यू नो लिविंग द कैरेक्टर। एंड बोला था और बोल रहे हैं कि हमें गुजराती में एक हीरो चाहिए था ऐसा, जो गुड लुक्स में हो, जिसकी बॉडी अच्छी हो, जो एक्टिंग अच्छा कर लो, क्योंकि अभी तक ऐसा मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बोलते कि यार किसी का पेट निकला हुआ है, किसी के कम्बाल है और व्हाटएवर। सो दे वांट कि दे वर सेइंग कि वी वांट अ कंप्लीट हीरो, तो बोलते कि हमारा हीरो आ गया। सो मैंने कहा यार मैं देखता हूँ, बिकॉज मैं अपना हिंदी में भी इतना ही बिजी हूँ। सो या बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल जिन्होंने फिल्म को इतना यू नो लाइक किया है, पसंद किया है। प्लीज़ जाके देखिए और फिल्म लामो रस्तो जो कल रिलीज़ हुई है 7 सितंबर को, और बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके करने के बाद में जब हम टेलीविज़न या तो फिल्में करते कितना हेल्प मिलता है इन एक्टिंग, क्योंकि बहुत हेल्प मिलता है, बिकॉज थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप यू नो एज एन एक्टर आप और क्या बोलते हैं कि हीरो को जितना और मतलब वो अच्छा होता जाता है उसकी चमक। सो थिएटर इज़ लाइक दैट कि जितना आप करते हो ना उतना आप में निखार आता है आपके परफॉर्मेंस में, यू नो आप इतने अलर्ट रहते हो, आप इतना डीपली कोई कैरेक्टर के बारे में सोचते हो, सो इट रियली हेल्प्स। सो एज आई सेड के आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट एक्टिंग, आई वॉन्टेड टू ग्रो मोर एज एन एक्टर। सो या इट रियली हेल्प्स, यू नो थिएटर करने के बाद बहुत हेल्प होती है। जब शूट किया था तभी तो मैं फादर नहीं था, अभी मैं एक फादर हूँ, तो मैं बहुत मतलब तब मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला बाहर आके कि तभी तो डॉटर नहीं थी आप, फादर नहीं बने थे, और आप ऐसे लग रहे हैं आपके एक्सप्रेशन देख के फिल्म में कि एकदम रियल, इतना प्यार से आप यू नो आपका बोलते, ऐसे कई सीन में तो लोग रोने भी लगे हैं और इनको बहुत मतलब दे गॉट वेरी इमोशनल कि यार जो कि अब तक जो है माँ बेटी की फिल्में आई हैं, बाप बेटे की फिल्में, पर एक बाप और एक बेटी की फिल्म नहीं आई है। सो उनको यह है कि जो एक बेटी के लिए इनका प्यार है वो ऐसा है कि यार बेटी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा, और बेटी की एक इच्छा पूरी करने के लिए ये सब कुछ दांव पे लगा देता है। सो वेरी गुड एंड आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर यू नो लाइकिंग द फादर डॉटर बॉन्ड। नहीं डिफ़िकल्ट, देखो क्या है ना बच्चे हैं वो,
ठीक है, अब हम जो सिचुएशन में शूट करते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं, सो हमें बच्चों के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत शूट करना पड़ता है. डिफ़िकल्ट नहीं है बट वो बच्चे हैं तो उनसे जितना होता है उतना ही कराना चाहिए. सो दैट्स व्हाट हमने मेंटेन किया है. जब वो थक जाती थी तो हम कोई और शॉट ले लेते थे और मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया. एंड बच्चों में एक इनोसेंस होती है, इनकी परफॉर्मेंस में भी एक इनोसेंस होती है, तो यू नो यू एंजॉय दैट. सो बहुत आए तो रियली लव इट और मुझे बच्चे बहुत पसंद है. आगे चलते हैं, आपने कहा कि काफी अच्छा अब या अभी देखते हैं. आई नो पीपल आर कॉलिंग, सो लेट्स सी कि कैसे आगे. बट यस श्योरली आप आगे जरूर देखेंगे मुझे. सो लेट्स सी. फैंस थैंक यू सो मच फॉर द लव, फॉर द सपोर्ट. प्लीज ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड आई प्रोमिस टू एंटरटेन यू गाइज इन एवरी मीडियम, थिएटर, गुजराती मूवी, फिल्म, टीवी, डिजिटल, एवरीवेयर. सो स्टे ब्लेस्ड. Thank you.